इराक के दामन पर लगे आतंकवाद का ताक धोने की हर कोशिश सुरक्षा बलों और पुलिस के लिए नाकाम साबित हो रही है। बुधवार को दहशतगर्दों ने एक बार फिर बगदाद को दो जबरदस्त विस्फोटों से दहलाकर आतंकवाद का एक और जख्म दे दिया। इराक की राजधानी बगदाद के कमर्शियल सेंटर के पास यह आत्मघाती हमले हुए हैं, जिसमें 13 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। जिस अंदाज में दोनों आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया वो डराने वाला है। एक आतंकी ने पहले बीमार होने का नाटक कर लोगों को अपने पास बुलाया और भीड़ जमा होने पर खुद को उड़ा दिया। इसके बाद वहां मौजूद लोग जब अचानक हुए इस ब्लास्ट की जगह पहुंचे, हमलावर के दूसरे साथी ने विस्फोट को अंजाम दिया जिसकी चपेट में कई और लोग आ गए। फिलहाल इस हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। राजधानी में विस्फोट की घटनाएं काफी कम होती है। इससे पहले बगदाद में ठीक 2 साल पहले 2017 की जनवरी में हमला हुआ था, तब तारायन स्क्वायर पर 27 लोगों की मौत हुई थी। फिलहाल राहत बचाव का काम जारी है और इराकी अधिकारी घटना की जांच में जुटे हैं।